देश में कोविड-19 के मामले 17,000 के पार पहुंच गए हैं। अकेले महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 23,000 के पार पहुंच गया है। महाराष्ट्र में ही अकेले ही इस बीमारी से करीब 860 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ मुंबई में ही 14,500 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 528 लोगों की मौत हो चुकी है। जिस तरह से कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि सिर्फ मुंबई में ही पीड़ितों की संख्या 70,000 के पार पहुंच सकती है। जिसे देखते हुए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुंबई में वुहान की तर्ज पर अस्पताल बनाया जा रहा है। बीकेसी मैदान में 28 अप्रैल से बनाए जा रहे अस्पताल को 15 दिन में यानी कि 14 मई से पहले चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अस्पताल की क्षमता 1000 बेड की है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे 5000 बेड तक बढ़ाया जा सकता है। देश भर में कोविड के सबसे ज्यादा मामले मुंबई से आ रहे हैं। मुंबई में सरकारी और निजी अस्पताल मिलाकर कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए मुंबई में 3000 बेड हैं। वर्तमान हालात को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुंबई में कोरोना के केस मई में अंत तक और अधिक बढ़ सकते हैं, जिसके मद्देनजर देखते हुए सरकार ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना तो रही है, लेकिन कुछ ही दिन बाद मानसून की चुनौतियां भी मुंबई के सामने होगी। ऐसे में सरकार इस हालात से कैसे निपटती है, ये भी एक चुनौती उसके सामने होगी। गौरतलब है कि 11 मई को हुई मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए लोकल ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग की थी।